साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण 8 नवंबर यानी कि आज लगेगा। यह साल का अंतिम चंद्रग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण होगा और इसे भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं। इस दौरान जब हम धरती से चांद देखते हैं तो वह हमें काला नजर आता है और इसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से पहले के समय को सूतक काल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल 9 घंटे पहले लागू हो जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। ग्रहण के दौरान सूतक काल का काफी महत्व होता है। भारत में चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को शाम 5:20 से दिखाई देना शुरू होगा और शाम 6:20 पर समाप्त हो जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल 8 नवंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:20 पर शुरू हो गया है। वहीं ग्रहण के दौरान सूतक को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग ग्रहण से कुछ घंटे पहले कुछ नियमों का पालन करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद अपना उपवास समाप्त करते हैं। हालांकि उपवास तोड़ने से पहले लोग स्नान करते हैं, अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं, सूर्य या चंद्रमा भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर जल और भोजन का सेवन करते हैं। आपको बता दें कि सूतक काल के दौरान कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची आदि चीजों से दूर रहें। सबसे खास बात ये कि ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद से निकलने वाली किरणों का गर्भवती महिला और उसके गर्भ पर बुरा असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद को नग्न आंखों से ना देखें। ग्रहण के बाद बासी खाना खाने से बचें। ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले स्नान करें और घर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़कें।